अचानक चबड़िया पता क्या, मैं आज ना बैठ के सोच रहा था कि बोल तो दिया मैंने कल की वीडियो में कि कुछ नया ट्राई करेंगे, बट न्यूज़ इतनी सारी इंटरेस्टिंग है, फिर मैं कहा चल ना न्यूज़ ही कर लेते हैं, बट मैं कहा नहीं नहीं बोला है तो कुछ तो करके जाएंगे और जल्दी वीडियो देने की चांस मतलब ट्राई तो करेंगे करेंगे। बट फिर मैं ढूंढने निकला, इस दुनिया में ना दो चीज़ बड़ी मुश्किल से मिलती है, एक सच्चा प्यार, दूसरा असली कॉन्टेंट। बट हवस हर जगह है, हर जगह न्यूज़ के साथ भी। मतलब महाराष्ट्र में ये सीन हुआ था कल कि कोई साउथ कोरियन लाइव स्ट्रीम कर रही थी मुंबई में, तो दो आए हरामी मुंबई वालों, तुमसे ये उम्मीदें नहीं थी मुझे, दिल्ली वाले करते समझ में भी आता, पर दिल तोड़ गया तुमने साले, अतिथि देवो भव था। परसों ही रेसिज्म की बात कर रहे थे, अरे ना अरुणाचल प्रदेश से होगी, नहीं नहीं नेपाल से होगी, साउथ कोरिया यार, अतिथि देवो भव रखो। ये सब हुआ उसके बाद वायरल हुई एक क्लिप, और आशीष चंचलानी ने भी काफी ट्वीट किए, मुंबई पुलिस तक बात पहुंची और दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। तो मैं कहा यार इसी से रिलेटेड बनाते हैं, क्योंकि ठरक हर जगह है, हर जगह हर बंदे में, हर बंदे में। फिर मैं गया ढूंढने के लिए और फिर मुझे एक दो, फिर मेरे को मल्टीपल ऐसी लड़कियां दिखी जिसने मुझे शर्मसार कर दिया, मैंने अपने ऊपर के बटन बंद कर दिए यार, पता ना ये कैमरे से निकल के कुछ करना दे मेरे साथ उल्टा सीधा, यकीन नहीं देख लो। सुनो ना, हाँ तुमने कभी किसी का दबाया? क्या 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 कैसे कैसे? पहले तो मेरा थॉट था क्या, और फिर दूसरा था वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पता है अगर कोई लड़के तुमसे पूछे ना तो पहला जेन्युइन क्वेश्चन यही होगा कि क्या, बंदे का सेकेंडरी क्वेश्चन क्या है, कैसे कैसे? नहीं कभी किसी का दबाया? क्या 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 कैसे कैसे क्या है, पहले वो तो पूछ ले कैसे कैसे क्या होता है, दबाने का तो एक ही तरीका होता है, हाथ दर्द होगा तो वो भी ऐसे ही दबाएगा, ऐसे ऐसे तो सिर्फ एक ही चीज हो सकती है ना, हर की मैं शरीफ है लड़की अश्लील है, अबे स्क्रिप्ट लिखने वाला बेवकूफ है। एक हजार मूली लेते हो तो लेते क्या हो तुम एक्चुअली, अपना जब कोई नहीं रहता तो बेलन लेती हूँ। बेलन लेते हो? साला मैं एक पल के लिए कंफ्यूज हूँ, मैं यूट्यूब देख रहा हूँ कि यू पॉन, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ ये मुंबई वाले इंसिडेंट से मेरे को लगा था कि ये जो है ना ये पॉन देखने से लोग बिगड़ते हैं, अब सालों ने हिंदी ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया है वो भी यूट्यूब पे, उन्हें लग रहा है ना कि हाँ सारी लड़कियां ऐसे ही सोचती है, उन्हें कौन समझा है, बस स्क्रिप्ट मार रखे सालों इन्होंने। यार मेरी निकल और पकड़, अगर मैं चूतिया से शक्ल लेकर के यहां पर मत आइए, यहां से पकड़ लिया तो 35 लाख रुपए नहीं है तो मेरे यहां पास, मैं साले 30 रुपए ना दूं तुझे, 30 रुपए छोड़ 3 रुपए ना दूं तुझे। मैं मजाक नहीं कर रहा, बड़े भाई के नाते समझा रहा हूं, ऐसी लड़कियों से जैसे ही नाता हो दूर भागो। ऐसी एक और लड़की दिखी थी मुझे, वो कहती 5000 रुपए, देख 2000 रुपए दिन के 5000 नाइट के, 300 रुपए देगा वही रेट है मार्केट में, तुझ में कुछ खास नहीं है ऐसा। सही बात है, जिनको समझ में आ गया वो जीबी रोड गए हुए, जिनको नहीं आया उनको नहीं बालू। अरे यार पहले इस्तेमाल करना चाहता हूँ मैं, पहले पैसा फिर इस्तेमाल। अच्छा पहले पैसा चाहिए तुम्हें, यू नो व्हाट पैसा हर चीज होता है, मनी इज एवरीथिंग फॉर। अच्छा ओह माय गॉड, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये क्लिप्स देखने के बाद ना मुझे लग रहा है हम शरीफ क्या हुए, दुनिया ठरकी हो गई। अब ये लो पैसे, एक दो तीन चार पाँच छः, अब हुई ना, अब हुई ना, इसके बाद भाई इसको 3000 रुपए दे रहा है चुम्मा चाटी करने के लिए। अबे थोड़ा वेट कर लेता रशियन आ जाती भाई, सही बात कह रहा हूँ मैं, तुम्हारी याद आ रही थी, मेरी याद आ रही थी यार, तुमने तो मेरे को एक भी दिन नहीं दिया यार, और याद ऐसे कैसे आ गई भाई, मैंने तो लिया भी नहीं है तुम्हारी। बंदी ने बोला मुझे तेरी याद आई, मैंने तेरी कभी ली नहीं। अबे दोस्त भी तो हो सकता है, फ्रेंड तो हो चुका है, एक्सेप्ट कर। मैं कभी अबे ऐसे कौन बात करता है, मतलब सोच रहे तुम किसी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, गर्लफ्रेंड वाली गर्लफ्रेंड नहीं लड़की दोस्त के पास जाओ, अरे यार मैं तेरे को याद कर रही थी, अरे मैंने तेरी कभी ली नहीं तो मुझे क्यों याद कर रही है। अबे दिन रात यही चलता रहता है, फैक्स पक्का समीर फुद्दी का दोस्त है ये। ओह ये अब मैं सोच रहा हूँ जेन्युइनली इन बंदों का माइंडसेट ऐसा है, घर पे गए मम्मी बोल गया अरे बेटा आ गया, मैं तुझे याद कर रही, ये ज्यादा हो गया। अच्छा सुनो तो यार, सुनो तो, तुम सुनी नहीं रहो यार। हाँ, क्या सुनूं बताओ, मैं कह रहा हूँ यार तुम ले लो ना यार मेरा, क्या लूं मुझे पता क्या लग रहा है, हाँ तुम्हारा छोटा होगा। क्या 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 क्या, क्या, क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? अगर इस दुनिया में भगवान है तो मुझे उठा ले, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। अबे यार
कहाँ मिलती है लड़कियाँ, उस जगह का नाम बता दो, मैं उस जगह नहीं जाना चाहता। यहाँ तक ना फिर भी मैं बर्दाश्त कर लेता, इसके बाद जो उसने बोला ना, दिल से माँ बहन की गाली निकल गई मेरे। क्या बोला तुमने? पहले तुम जो मतलब इतनी ज्यादा पंक्चुअली करता है ना, इतनी बातें करता है, मुझे लगता है उनका छोटा होता है। मैंने आज तक जितने भी ठहर के गाने बनाए ना, उसमें एक लाइन हमेशा कॉमन रही है, लंबा मेरा भी है बड़ा। पर बातों से साइज का क्या मतलब है? बातें मेरा काम है बात करना। दोनों मिला दिया भाई। और जुल्फों से क्या होता है? जुल्फों से ढीली होती है टाइट। कंट्रोल कंट्रोल उदय। अबे पॉइंट इस कर हम भी सकते हैं, बट हमने छोड़ दिया है वो सब। कंट्रास्ट मैचिंग जो है ब्राक के उससे, इसको खत्म करना है मेरे को। सबसे पहले इस लिपस्टिक को रिमूव करना चाहता हूँ मैं। बंदे बड़े होके इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, ये लिपस्टिक रेजर बनना चाहता हूँ मैं, ये मेरा प्रोफेशन होगा। हर आती जाती लड़की का आपका लिपस्टिक बिगड़ गया, सही कर दूं क्या? चप्पल खाएगा क्या? लाल हटाने चला था, माँ का लाल गाल लाल करके आ गया। वाह क्या लाल जोक मारा है। इश्क मोहब्बत नशा प्यार ये सब बातें तो फिजूल है दोस्तों। सच तो यह है कि यार आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है गाइस। पैसा इज्जत सब फालतू है, फिजूल है फिजूल। जो प्यार हमने दिया है मैं तो जानता भी नहीं था अभी कुछ घंटे पहले से, बट इतना तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि जो प्यार मिला है वो तुझे तो नहीं मिला है, लड़की को मिला है। और वो प्यार लव नहीं, लव मेकिंग की डेस्परेशन पे है कि ये क्या लड़की है, देने को तैयार है और हमसे कोई पट्टी नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। एक पता है उनकी एक और वो जंगल वाली स्क्रिप्ट थी। बंदा पहली बार देखता है एक लड़की बैठी हुई है, तो बंदा अप्रोच करता है और बाल छू देता है सीधा। साले हम हाथ मिलाने में हमारी फटती है, तू लड़की के बाल खींच रहा है, पक्का आफ्ताब बनेगा ये बाद में। फिर बंदी से नाम पूछता है, बंदी अपना फर्स्ट नेम बताती है, भाई सरनेम गेस कर लेता है। बाबू बोल सकता हूँ तुम्हें नाम, क्योंकि नाम तो जानता नहीं मैं। प्रिया नाम है मेरा। क्या? प्रिया। रिया राजपूत है? बाबा बाबा अंतर्यामी है, अंतर्यामी जो तुम सोच रहे हो भाई जी रहा है। साथ लौड़ों की सलामी दो इनको। एक बार देख रहा था मैं जिसमें बंदा अपसेट होता है, बंदी का एक ही रिएक्शन है, अबे वो सैड है। बंदी कह रही ले लो, तुम इतने दिन से कह रहे थे ना कब दोगे ले लो, बंदा सैड है। मेरी लोगे क्या? क्या क्या क्या? बेटा एक मिनट। ओबे ये क्या कर रहे हो भाई? अब बताओ क्या 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 बोल रहे हो तुम? मेरी लोगे। और अपसेट भी किस बात पे होता है? कि घर वालों को इनकी वीडियो का पता चल गया है, बंदी अभी भी कैरेक्टर में, मेरी ले लो। अबे नहीं अभी तो मैं जा रहा हूँ। अब तो तुम्हारा चैनल भी खराब हो गया था, थोड़ी देर तुम देखे चले जाओ मुझे। नहीं यार अभी तो सैड हूँ ना मैं। हाँ बहुत ज्यादा सैड हूँ। तो तुम मेरे साथ क्या क्या करना चाहते हो अभी ये बताओ? अगर मैं दूंगा तो तुम्हें क्या क्या करोगे? मैं सैड हूँ, क्या करना चाहती हो मेरे साथ? भाई सेक्स की कहानी सुनाओ। नहीं बता। अबे पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। कैसे नहीं करती मैं, है मेरे पास सब कुछ लेके चलती हूँ। चाहिए क्या, क्या लेके चलती है? हैं हथौड़ी औजार सब कुछ लेके चलती हूँ। लेके क्या चल रही है? ये कॉन्डम का पैकेट। भाई मेरे दो बैग है, दोनों में पड़े हुए कॉन्डम के पैकेट, वो तो मैं भी लेके चल रहा हूँ। कोई कोई ना कोई चाहिए। बताओ ये क्या चाहिए? लौंडा में और क्या है? वाह क्या संस्कारी संस्कारी लौंडा मिला है। सामने दिख रहा है क्या है वो? साले आठवीं नौवीं के बच्चे सेफ सेक्स के बारे में अवेयर है, अपने बैग में लेके घूम रहे हैं आईपैड वगैरह। इस बंदे को जो ड्राइव कर रहा है इसको नहीं मालूम उसके हाथ में क्या है। बैंगलोर स्टूडेंट रॉक्स देर क्या है, कुछ खास है भी नहीं। अब तो देख बिना पैसे का ना कोई अपना गोदाम थोड़ा दिखाएगा। वैसे देख ले ले ऊपर से देख ले गोदाम कैसे तो फैक्ट्री देख ले। अब इससे ज्यादा थोड़ी दिखा सकती तुझे, देख ट्रेलर इतना ही है देख ले। मूवी है ये चलती फिरती, ट्रेलर देख लो तुम, मेरा देखो ट्रेलर सालो, देखो तुम देखो ये। He is still so vulgar. बाकी इसी नोट पे खत्म कर रहे हैं। आई होप 10 मिनट 8 मिनट हो गए हो, नहीं हुए तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी माफी चाहूंगा अगर किसी बात का बुरा लगा हो इन दोनों से ही, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि मैं बुजुर्ग आदमी और ये बातें मुझ पर ही शोभा देती हैं। यार वो बूढ़े लोगों को क्या कहते हैं जो ठरकी निकलते हैं? ठरकी अंकल, आज से ठरकी अंकल #ठरकी अंकल कमेंट।
बाकी लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूँ कल, और कहीं कोई नया टॉपिक हो तो बता देना, बहुत मेहनत लगी इसे ढूंढने में भी। सही बात है, पीस आउट।